प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्यमवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहो रात्रं संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओ शांति 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 सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः ओमाप्यायन्तु मम वंगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रमथो बलम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेयोपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि ॐ शांति शांति शांतिः। तस्यैशवादेशो यदेतद्विद्युतः विद्युतदा इति न्यमीमीषदा इत्यदिदैवतम् अथवाध्यात्मम्
यदि तद्गच्छति वच मनः अनेन चैतद् उपस्मरति अनेन चैतद् उपस्मरति अभीक्ष्णगम् संकल्पः अतवध्यात्मम् यदेतद्गच्छति वच मनः यदेतद्गच्छति वच मनः अनेन चैतद् उपस्मरति अभीक्ष्णगम् संकल्पः दिख नहीं रहे हो आप इस इधर बैठ जाओ ना आगे चेयर खाली है दिख नहीं या तो इस पैड पे आ जाइए नरवड़े जी करें अलोया जी आप आ गए जी तो हो रहा है खाली खाली आगे जो जगह है वो पहले भर लीजिए अथ अनंतरम अध्यात्मम प्रत्यग आत्म विषय आदेश उच्यते यद एतद् गच्छति वच मनः एतद् ब्रह्म ढौकत इव विषयी करोति इव तथा अनेन मनसा एतद् ब्रह्म स्मरति समीपतः स्मरति साधकः अभीक्ष्णगम् भ्रशं संकल्पः मनसः ब्रह्म विषयः मनस मनः उपाधिकत्वादि मनसः संकल्पस्मृत्यादि प्रत्ययैः अभिव्यज्यते ब्रह्म विषयी क्रियमाणाम् इव च अतः स एषः ब्रह्मणः अध्यात्मम् आदेशः विद्युत्निमेषणवत् अधिदैवं द्रुतं प्रकाशनधर्म्यम् अध्यात्मं च मनः प्रत्यय समकाल अभिव्यक्ति धर्मी इति एषव आदेशः एवम् आदि एवम् आदिदश्यमानं हि ब्रह्म मंदबुद्धि गम्यं भवति इति ब्रह्मणः आदेश उपदेशः नहि निरुपमाधिकम् एव ब्रह्म मंदबुद्धिः अभि मंदबुद्धिभिः कलायितुं शक्यम् कोई क्लिप है नहीं इधर करो मुझे आसानी रही है बार बार निकाल ये हार्ड हो गया है इसलिए चलो ठीक अथ अनंतरम अध्यात्मम कल मैं इस शब्द की व्याख्या कह रहा था अथ शब्द को श्रुति कहती है अनंतर अनंतर का मतलब हुआ कि इसके बाद बोले किसके बाद जिस साधक की निष्ठा ब्रह्म में है जीवन का जो लक्ष्य है वह ब्रह्म ही है लेकिन वह ब्रह्म को बस ब्रह्म को देखने में असमर्थ होने के कारण श्रुति आख्यायिका के जरिए से उसको उपदेश देती है इस उपदेश में शब्द प्रयोग किया गया आदेश उपमा के जरिए से उपमेय का निर्देश करना उपमा उपमान के जरिए से उपमेय को पाना जिसने ब्रह्म को नहीं पाया है साधक को उसको गांठ पकड़ के रखनी है ब्रह्म तक पहुंचने के लिए ब्रह्म सदृश
जिसमें सादृश्यता का धर्म पाया जाए उसको पहले देखे और उस सादृश्यता के धर्मों का अनुसरण करते हुए उपमेय की प्राप्ति हो सकती है। इसी को अन्य शास्त्रों में उपासना का नाम दिया गया है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के साधक के लिए अत्यंत अत्यंत आवश्यक है कि उसने उपासना की होवे। कल मैं कह रहा था उपासना शून्य साधक जीवन में खरगोश के सींग की तरीके से कभी भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता। अब ये कभी समझ में नहीं आता कि कहां से ये बीच में लड़ाई छिड़ गई कि जो वेदांत है वो भक्ति और उपासना का विरोधी है। केनोपकल टहलने के दौरान ये चर्चा हो रही थी, ईशावास्य उपनिषद में फिर उपासना दिखाई गई, भूत संभूतिम च असंभूतिम च विद्याम च अविद्याम च। केनोपनिषद में तो उपासना दिखाई गई, कठोपनिषद में फिर उपासना दिखाई जाएगी, मुंडक उपनिषद में प्रणवो धनु शरहुई आत्मा ब्रह्मतल लक्ष्यम उच्यते फिर उपासना दिखाई। लेकिन पता नहीं क्या आपस में भिड़ंत हुई कि वेदांत और ज्ञान को भक्ति को आपस में क्या कर दिया, लड़ा दिया। स्पष्ट है कि उपासना शून्य व्यक्ति कभी भी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। स्पष्ट हो गया। अच्छा, इसके लिए कल मैंने आपको एक सबसे अच्छी चीज ये कही, ब्रह्म वाक्य जो है वो है तत्त्वम असि। तत्त्वम असि तत्पदार्थ के शोधन के लिए अधिदैव की उपासना करनी चाहिए। ये बात खूब स्पष्ट हो गई है। सगुण ब्रह्म शासन करने वाला, लीलाधारी, रूपधारी, चरित्रधारी, हाँ, असुरों का संग्राम करने वाला, दैवी वृत्तियों की रक्षा करने वाला, ये सब का सब अधिदैव है। अब इस अधिदैव की उपासना की बात आपसे कर चुका हूं, इसलिए अब इस पर विशेष नहीं बोलता। तो तत्पद का जो शोधन है, यदि वेदांत का विद्यार्थी इसको पहचानना चाहता है तो तत्पद का शोधन कैसे करे? तत्पद के शोधन के लिए जीवन में अधिदैव की उपासना अनिवार्य है। ठीक है, कल एक शोधन की चर्चा चलाई थी मैंने आपसे। योग के अभ्यास से त्वम पद का शोधन होता है। संभवतः अगर आपने मनन किया हो तो कुछ प्रश्न आप में पैदा होए। तत्पद के शोधन के लिए अधिदैव है और योग शास्त्र जो है वह त्वम पद के शोधन के लिए है। योग शास्त्र मतलब जब मैं कहता हूं तो यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा नहीं, ये तो जो कर चुका, ये सामान्य अधिकारी के लिए नहीं। इसलिए कल मैं बार बार कह रहा हूं, कभी भी योग को खेलवाड़ मत समझिए। पतंजलि ऋषि हैं, चित्त विशेषज्ञ की संज्ञा दी गई, बनता है ना। तो इसलिए कल कह रहा था योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, तो योग का तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, तो कैसे होगा? योग का लक्ष्य क्या है? तदा दृष्टु स्वरूपे अनुसंधानम। कहां लिखा गया पतला होने के लिए, कहां लिखा गया प्राणायाम में कुशल होने के लिए, कहां लिखा गया कुंभक रेचक पूरक के लिए? कहीं नहीं। योग का लक्ष्य क्या है? तदा दृष्टु स्वरूपे अनुसंधानम। दृष्टा अपने स्वरूप में क्या हो जाए? स्थित हो जाए। ये योग का लक्ष्य है। क्या करो? वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्तियों की धार देखो महाराज। वृत्ति कितने प्रकार की? वृत्तियां पंचचय्या चा, क्लिष्टा चा, अक्लिष्टा चा। कल ही बात हो गई, प्रत्यक्ष, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प।
निद्रा समाधि ये सब की बात हुई। त्वम पद का शोधन, योग जो है त्वम पद का शोधन करता है। शोधन का मतलब ये दृष्टा की प्राप्ति करवाता है, दृष्टा की ओर दिखाता है, दृष्टा के निकट लेके जाता है। कौन? तुम। तो आदिदैव की उपासना से तत्पद पदार्थ का शोधन, योग की साधना से तुम पदार्थ का शोधन, हाँ, धर्म के शोधन से व्यवहार, अगर किसी को अच्छा है तो व्यवहार के शोधन के लिए धर्म का शोधन होना चाहिए। व्यवहार न तो तत्पद से संभलेगा न तो तुम पद से संभलेगा, व्यवहार तो सिर्फ धर्मानुचरण से संभलेगा। यही वेदांत पढ़कर भक्ति पढ़ने वालों की गलती यही है, जिस व्यक्ति को अपना व्यवहार अच्छा बनाना हो उसको न तत्पद की आवश्यकता है, हाँ जी, न तो तुम पद की आवश्यकता है। वो फालतू टाइम वेस्ट मत करे, वो क्या करे, विधि निषेध में कलिमल हरनी, क्या विहित है और क्या भाई, जिन समाज सेवियों की हम पूजा करते हैं उनका जो जीवन है वो कैसा माना जाता है, धर्मानुचरण माना जाता है। न तो वेदांत का ज्ञान है, न तो योग का ज्ञान है, न तत्पद का शोधन है, न तुम पद का शोधन है, लेकिन जो जीवन है वो कैसा है, वो उज्ज्वल है। व्यवहार का शोधन जब भी आपको करना होवे, व्यवहार में दोष होवे, तो कभी वेदांत को लेकर मत आओ। एक स्वामी जी को बुलाने के मन था बड़े, वो मैंने बताया ना 35 साल से कैलाश आश्रम, तो मुझे विषय जो सूझा कल वो यही सूझा, जीवन और ब्रह्मानुभूति। तो मैं भी सोचने लगा, जीवन के शोधन के लिए ब्रह्म नहीं चाहिए, व्यवहार के शोधन के लिए तो धर्मानुचरण चाहिए। विहित और अविहित का ध्यान रखो बस। विहित क्या बनता है आपके लिए और निषिद्ध क्या बनता है, ये इसका ज्ञान होना चाहिए, बस आपका आपका व्यवहार अच्छा बन जाएगा। बोले वेदांत क्या करता है, वेदांत तत्व और तुम पद के ऐक्य की स्थापना करता है। ये सावधानी से इसको लीजिएगा, जानबूझ के आपके दिमाग में बार बार मैं एंट्री करा रहा हूं, ये भूल जाए, बट ये लाइनें नहीं भूलनी चाहिए। वेदांत तद पद और तुम पद के ऐक्य की स्थापना वेदांत का धर्म है। जो असी शब्द है, वह जो अधिदैव है, वह जो अध्यात्म है, वह जो तुम हो, ये वेदांत कहता है। स्पष्ट हो रहा है इसमें? ऐक्य मतलब एकता, एकता तत् नहीं नहीं, जैसे कि को रिलेशन, अब पता नहीं इंग्लिश में कितना एग्जैक्ट होगा, मुझे कहना नहीं समझ में आता, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे कि मैं दृष्टांत देता हूं कि स्वप्न में आपने अपने आप को स्त्री समझ लिया, ड्रामा करते करते स्त्री समझ लिया, और किसी साधु ने कहा कि तुम स्त्री नहीं हो, तुम कौन हो, पुरुष हो। तो जो जो अपने आप को स्त्री समझ रहा था वो कौन है, वह पुरुष है। तत् जो स्त्री समझ रहे हो वह तुम नहीं हो, वो कौन है, त्वम तो पुरुषः अस्ति। तो जो पहले वाला है और जो बाद वाला है, वह जो दो हैं वह दो नहीं है, वो कैसा है, वह एक है। तो बोले दो क्यों कहा, अज्ञान काल में दो हैं, अज्ञान काल में दो हैं, मैं इसमें भी आपको दिखाऊंगा, अभी
अज्ञान काल में दो हैं, दोनों मानना चाहिए। और मैं आपको श्रुति का आपस का विरोध भी दिखाता हूं अभी। लेकिन हाँ, अब देखो अभी दिखा दें तो इधर उधर ना हो जाए। अभी अधिदैव ब्रह्म की बात कही और मैंने अध्यात्म ब्रह्म की बात अभी की नहीं आपसे। यही उपनिषद श्रुति, यही श्रुति आपको पेज नंबर 48 खोलो, जब मैंने अभी पिछले भी पढ़ाया था उस दिन। यदि मन्यसे सुवेदेति आया धर्मेवापि नूनं त्वं, पेज नंबर 48 देखो जरा। दोनों अश्रुतियों का विरोध देखो ऐसा। यदि मन्यसे सुवे देती, यदि तुम मानते हो कि तुमने ब्रह्म को जान लिया, आहा इस पे खूब चर्चा हुई है, तो तुम मूर्ख हो, क्या कहें, तुमने कुछ नहीं जाना। इसलिए कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने ब्रह्म ज्ञान को जान लिया। ये कहना मतलब अंदर से ही नहीं आना चाहिए। यदि मन्यसे सुवे देती धर्मेवापि नूनं तुम वेथ, तुमने जाना है भैया, 20 साल आश्रम में रहे हो, गुरु के पास रहे हो, मानता हूं तुमने बड़ी पढ़ाई की है, तुम वेथ, तुमने जाना है। हाँ, ब्रह्मणो रूपम, जो तुमने ब्रह्म का रूप जाना है, देवेश्वथ, तुमने अधिदैव को ब्रह्म जान लिया। मीम यदस्य तुम यदस्य देवेश्वथ, या तो तुमने अध्यात्म को, नूमीमांस्यमेव, तुमने अध्यात्म को ब्रह्म जान लिया। ये दोनों ही ब्रह्म नहीं है, दोनों ही परिच्छिन्न है। कौन ब्रह्म, कौन ब्रह्म? आदिदैव भी ब्रह्म नहीं है, अध्यात्म भी ब्रह्म। अच्छा, यहां क्या कहा जा रहा है आपसे? जिसको आदिदैव रूप से जाना वह ब्रह्म है। दिखता है ना आपस में विरोध। इसलिए श्रुति में विरोध नहीं है, बुद्धि में विरोध है। अगर नहीं ठीक से पढ़े आचार्य परंपरा से तो यही संगति लगाएगा कि वहां तो बोलते हैं परिच्छिन्न है, नूनम त्वम, यहां पे क्या बोल रहे, अधिदैव ब्रह्म को जानो। स्पष्ट हो गया, अध्यात्म ब्रह्म, और दोनों ही तुमने पहले ही क्या बोल दिया है, धर्मेवापि, तो कुछ नहीं जानते। तो जो साधक ऐसा कहता है, श्रुति कहती जाना है, अधिदैव को जाना होगा, अध्यात्म को जाना होगा, ब्रह्म को नहीं जाना है। हाँ, अधिदैव और अध्यात्म के जरिए से आलंबन से उस शुद्ध ब्रह्म तक पहुंच हो सकती है। भाई सीढ़ी चढ़कर ही आप कक्षा में आ सकते हो, तो सीढ़ी क्या हुई, तो ये अध्यात्म हो गई और ये अधिदैव हो गई, इससे चढ़कर कहाँ आ गए, ऊपर। कल भी यही कह रहा था, नाव मेरा लक्ष्य नहीं हो सकती, नाव मेरा साधन। क्रियाएं मेरा लक्ष्य नहीं हो सकती, क्रियाएं मेरा साधन। गलती तब होती है जब कोई क्रिया को ही अपना जीवन का लक्ष्य बना ले। गण में आता है वो हल्का दृष्टांत है, हालांकि ये स्वामी जी का ही दिया हुआ था कि कोई व्यक्ति जा रहा था तो उसकी पत्नी ने उसको पाथेय, एक रास्ते के लिए टिफिन बना के दिया कि तुम इसको रास्ते में क्या कर लेना, खा लेना और अपना काम करना, भूख लगेगी तो ये भोजन कर लेना। एक स्थिति ये है, एक व्यक्ति जा ही इसलिए रहा है क्योंकि टिफिन खाने को। दोनों में अंतर समझ में आता है? जो पाथे है वही ही लक्ष्य बन गया, पार्टी में उस न बहू को जानते हैं, न लड़के से लेना देना, न किसी से, बोले खान मौज करने गए, ये कौन सा हो गया लक्ष्य, आ गया ये आपके सटीक बैठता है। बोले उनका स्टेटस अच्छा है तो उनके यहाँ खाने पीने को बढ़िया मिलेगा, ले
आप देखो ना आपकी बुद्धि कहाँ गई। जो लक्ष्य था, जो साधन था, उसी को मैंने क्या मान लिया, उसको लक्ष्य मान लिया कि प्लेन में खाना मिलता इसलिए हम जाएंगे ले। तो ये तो जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। पाथे हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसी तरह से जो साधन है, जो आलंबन है, वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। स्पष्ट हो गया भाई, हम इसी में फंस जाएंगे आगे। अच्छा, अब अधिदैव की बात हो गई, अब अध्यात्म की बात। अथ अनंतरम, श्रुति कहती है अथ अनंतरम। अब मैं आगे की बात बताती हूं। अच्छा बताओ भाई, क्या बताना चाहती हो? देखो बहुत ध्यान से, बड़े छोटे छोटे टुकड़े करके मैं कोशिश करता हूं आपके सामने रखने की। तो ये मैंने कल बोला था कि ये जो प्रमाण है, ये संत नहीं बोल रहा है, कौन बोल रहा है? श्रुति। इसलिए ये प्रमाण है। अच्छा भाई, अब क्या है देखो। अच्छा एक चीज और थी, याद आई कल मैंने, योग शास्त्र में समाधि के कई कई उपाय बताए गए हैं। उसमें से कल ये, मतलब इसकी क्या कहें, गरिमा के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, कई उपाय बताए गए हैं उसमें। ईश्वर प्राणिधानात वा, देखो अगर कोई चाहे तो ईश्वर प्राणिधान से भी वही स्थिति प्राप्त कर सकता है जो अन्य उपायों से प्राप्त होती है। देखो इतना योग शास्त्र कहता है। कल मैंने सुतीक्ष्ण का उदाहरण दिया था, पुलक शरीर पनस फल जैसा। उसने क्या किया, सिर्फ अधिदैव की सगुण की उपासना की और उसका मन किस में हो गया, ब्रह्म में लीन हो गया। ओहो, रोमांच खड़े हो गए, कटहल के जैसे, कटहल के जैसे ये निकलता है ना, वैसे उसका खड़ा। क्यों? राम को देखते ही ये स्थिति हो गई। उन्होंने किया क्या, बोले सगुण की उपासना की थी। तो सगुण की उपासना का फल क्या हो गया, समाधि लग गई कि नहीं लग गई? इसलिए कौन कहता है कि सगुण की उपासना मत करो, जरूर करनी चाहिए, अच्छे से करनी। वही तुमको कहां ले जाएगा, ईश्वर प्राणिधानात वा, वही तुमको ईश्वर प्राणिधान में ले जाएगा, यही शरणागति लेके चली जाएगी। वाह। अच्छा आगे बढ़ना हूं। अब बोलते हैं अथ अनंतरम अध्यात्मम प्रत्यग आत्म विषयम आदेश उच्यते। अभी तक जो बात की जा रही थी वो थोड़ा बाहर की बात की जा रही थी, अब कहां की बात की जा रही है, प्रत्यग। प्रत्यग मतलब अंदर की बात भाई, आत्म विषय। अब बहुत अंतरंग बात श्रुति कहती है और उसका आदेश देती। आदेश मतलब समझ जाना, आदेश मतलब वो नहीं, उपमा उपदेश इति आदेश। अब एक उपमा देती है श्रुति और उस उपमा के जरिए से साधक को कहती है कि तुम इस उपमा को पकड़कर वहां पहुंच जाना, बिजली के चमकने को पकड़कर वहां पहुंच जाना, आंखों की पलकों के झपक को पकड़कर वहां पहुंच जाना। ये कौन सी होगी, अधिदैव। तो बोलते अब अध्यात्म में क्या पकड़ूं, बोले चलो भाई आगे आओ। क्या है, यद एतद् गच्छति वच मनः। देखो जी उसकी उपासना कैसे बोलते हैं, यद एतद् गच्छति वच मनः, ये जो मन है, यद एतद्, यद एतद् मतलब ये जो मन है। या अब मन तो व्यक्ति को कैसे समझ में आ रहा है, अनुभव आ ही रहा होगा ना उसको, यद एतद्। मैंने कल उस बार भी बताया था, यद, अरे ये जो, ये जो, जो जो मतलब जो तुम्हारा ज्ञान है, जो तुझका अनुभव है तुमको, अरे ये जो लड़के बदमाशी कर रहे थे, सब लड़के नहीं, ये जो लड़के थे, इसका मतलब आपकी आंखों के सामने सब कुछ प्रत्यक्ष है,
आपको पता है किसने किया है? ये जो लोग हैं इसको क्या बोलते हैं? यदेतत। श्रुति भी क्या? यदेतत। अरे अरे ये जो कौन जो? अरे ये जो तुम्हारा मन है। अच्छा, ये महाराज गच्छति वच मनः, ये तुम्हारा मन महाराज भगा चला जा रहा है, दौड़ता चला जा रहा है, खूब धरपट दौड़ रहा है। गच्छति व, ये मन कहाँ भग रहा है? बोले ये मन ब्रह्म की ओर भगा चला जा रहा है। भी इसकी संगति लगाते हैं, देखो जो ये है जो मन है ये भगा चला जा रहा है। तो को ईव शब्द लगाया है, देख रहे हो? गच्छतीव, गच्छती मतलब, तो गच्छती और इव, तो बोले एक्चुअली में सावधानी से मन कभी नहीं चलता है। ले बोले अभी अभी बोला था आपने, ऐसा लग रहा है कि मन दौड़ा चला जा रहा है, मन नहीं दौड़ता। तो इसलिए सावधानी से श्रुति ने क्या लगा दिया? इव, जैसे कि मतलब मानो कि मन ब्रह्म दौड़ा चला जा रहा है। कहाँ दौड़ा चला जा रहा है? बोले कहाँ नहीं जाता महाराज, बोले ब्रह्म की ओर, बोले ब्रह्म की ओर भी जाता है लेकिन जगत की ओर भी जाता है। सच्चाई तो यही है ना, मैं ऐसा नहीं कहता कि ब्रह्म की ओर नहीं जाता, लेकिन ब्रह्म से ज्यादा तो दुनिया की ओर जाता है, यह भी तो सच्चाई है। तो एतत ब्रह्म, देखो मिला इसको, एक क्या भैया सितारा अपना लगाओ जरा, वो सबसे अच्छी क्लिप हुए वो लगा। तो क्या बोल रहा था मैं, ये जो मन है, मन तो नहीं चलता, मन में कोई गति नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मन क्या हो रहा है? भागा चला जा। एतद ब्रह्म, भाष्य भी देखते जाइएगा, एतद ब्रह्म ढौकत इव, क्या बोल रहे हैं? ढौकत, ढौकत मतलब ढौकत मतलब बोले ढोलक बजाना। स्वामी जी जब पढ़ा रहे थे तो पूछा था कि किसी माता जी ने ढोलक बजाना या ढकना, बोले नहीं नहीं। अब क्या हुआ कि ये जो ढौकत शब्द है, जैसे कोई एनिशियंट चीज होती पुरानी, भाष्यकार ने जानबूझ के ये शब्द प्रयोग कर दिया। इसकी जगह शब्द प्रयोग कर सकते थे गच्छति, लेकिन जानबूझ के प्रयोग किया कर दिया। ढौकत एक संस्कृत का शब्द है, इसमें शब्द लग के बना। ढौकत का अर्थ होता है चलना, गमन करना। जैसे इण इण गतो पढ़ा आपने, ऐसे ही ढौकत का अर्थ, तो ये शब्द है ढौकते। क्या कर रहा है मन? एतद ब्रह्म ढौकते। अरे ढौकत मतलब क्या हो गया? बोलते हैं ये मन दौड़ा चला जा रहा है, दौड़ा चला जा रहा है। कहाँ दौड़ा चला जा रहा है? ढौकत इव विषयी करोति, ये सबको क्या करता है? ये सबको विषय बनाता है। कौन विषय बनाता है? मन विषय बनाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब मन सदैव किसी न किसी चीज को क्या करता है? ग्रहण करता रहता है। इसी को क्या बोलते हैं? विषय बनाना। बहुत सावधानी से समझना ये आध्यात्मिक ब्रह्म। ये जो मन है ये बराबर दौड़ा चला जा रहा है, दौड़ा चला जा रहा है, दौड़ा चला जा रहा है। मतलब क्या हुआ? विषयी करोति, ये सदैव हाँ वृत्ति के रूप में सदैव किसी न किसी विषय को ग्रहण कर रहा है। आप शब्द समझ में आए?
ऐसा कोई समय दिखता नहीं है कि जब मन किसी विषय को, देखो आप अभी अपना अपना देख लो आप, कितनी सारी वृत्तियां आ रही, धमाधम विषय उसमें चले जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, रात भर तक में कितने सारे अंबार लग गया हो, तो मानो मन क्या कर रहा है बेचारा, दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, क्या कर रहा है, विषयों को। अच्छा भाई, अब यद एतद ब्रह्म ढौकत इव विषय करोति, यथा अनेन, जैसे कि अनेन मनसा। अब देखो ध्यान रखना, ये साधक ऐरा गैरा नहीं है। अनेन मनसा कैसा, यह जो प्रसिद्ध मन है, प्रसिद्ध मन यद एतद मतलब यह जो प्रसिद्ध मन है ना, समझ में आ रहा है ना, जो ये जो प्रसिद्ध मन हमको अनुभव में आता है, मन का चलना, देखो जी वो चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है इसी, और क्या कर रहा है, यथा अनेन मनसा एतद ब्रह्म उपस्मरति। वाह देखो कैसे पहुंच गए, जैसे जैसे जब मन चलता है तो वो क्या करता है, विषय को व्याप्त करता है। बोले ये घटना तुमको इसमें कोई दिक्कत है, बोले कोई दिक्कत नहीं है। बोलते हैं विषय को व्याप्त करने का मतलब ये होता है, जब मन चलता है तो मन अपने दृष्टा की भी सूचना को देता है। आप सावधानी से पकड़ लेना ये 10 मिनट जो है, जब भी मन किसी विषय को पकड़ता है, इस विषय को पकड़ता है, इसका मतलब कैसे जाना कि विषय को पकड़ा, इसका मतलब दृष्टा को ज्ञान तो हुआ। आपने पढ़ा है ना, मन में दो चीजें हैं, एक इदम रूप है, एक अहम रूप है। अहम रूप को ही क्या कह रहे हैं, दृष्टा। समझ में आ रहा है, जैसे ही मन ने किसी चीज को जाना तो वो तब तक नहीं जान सकता जब तक वहां दृष्टा और प्रकाशक मौजूद नहीं। समझ में आया, जो भी हालात और ख्यालात जो हैं आपके, जिसको ख्याल बोलते हैं आप, जिसको ख्याल बोलते हैं, या जिसको आप बोलते हैं विचार, या जिसको बोलते हैं मन की वृत्ति, जैसे पुस्तक की वृत्ति आई, तो पुस्तक की वृत्ति आई इसमें क्या क्या है, इसमें एक तो पुस्तक है, लेकिन एक पुस्तक को प्रकाशित करने वाला चेतन भी है। यदि वो प्रकाशित न करे, यदि वो प्रकाशित न करे तो आपको ये ज्ञान नहीं होगा। क्या ज्ञान नहीं होगा, इदम पुस्तका, इदम पुस्तकम, अयम पटह, ये वस्त्र है, ये स्त्री है, ये ज्ञान कब हो रहा है, जब वृत्ति विषय को व्याप्त कर रही है, लेकिन समकाल समकक्ष तद्वत उसी समय प्रकाशक भी अपना काम क्या कर रहा है। इसमें किसको दिक्कत है, जब जब वृत्ति होगी तो वृत्ति अपनी दृष्टा की भी सूचना देगी। मानो की जो दृष्टा है वह वह जो वृत्ति है, मानो कि वह दृष्टा को भी क्या बना रही है, अपना विषय बना रही है, जबकि बना नहीं सकती। पुत्र को ऐसा लगता है कि हम पिता को जान लेंगे, शिष्य को लगता है कि हम गुरु को पछाड़ देंगे, लेकिन ये पता नहीं है कि बेटा तुम आए कहां से हो। पहले पिता आया है, उसके बाद तुम आए हो, पहले गुरु आए हैं, उसके बाद। इसी को आपने पढ़ा, प्रतिबोध विदितम मतम, केनोपनिषद में खूब अच्छे से चर्चा हुई थी, याद आ गया, यही द्वार है, इसको राजद द्वार बोला था भाष्यकार ने। नहीं हो तो पढ़ लेना, अंडरलाइन कराया होगा मैंने, है देख लो, अच्छा कहीं मिल जाए आपको भाषा में, जरा खोल के बताओ भाई, प्रतिबोध विदितम मतम में वहां राजद द्वार शब्द आया था, जल्दी खोल के बताओ एकदम फटाफट।
हाँ पढ़ो भाष्य, पढ़ो भाष्य। इसको कहा गया था यहां पर भाष्य में, यह राजद्वार है। पढ़ना अपना भाष्य पढ़ना, बाद में वर्णन विषय चला जाएगा समय मेरा भी। जिसको ब्रह्म को पकड़ना है, ध्यान से सुनो, जिसको भी ब्रह्म को पकड़ना हो, राजा की नगरी में पहुंचने के पूर्व राजद्वार से क्या करना पड़ता है, प्रवेश करना पड़ता है। जिसको भी ब्रह्म को पकड़ना है, जिसको भी ध्यानाभ्यास करना है, जिसको भी समाधि करनी है, जिसको प्रकाशक के रूप में अपने आप को देखना है, जिसको दृष्टा के रूप में देखना है, जिसको चेतन के रूप में देखना है, जिसको साक्षी के रूप में देखना है, वो सब के लिए राजद्वार कौन होगा, वृत्ति। वृत्ति को पकड़ो, यही ध्यान है ना। इसलिए अब क्या ये विषयांतर कर रहा हूं, ये आया इसलिए मैं बता दूंगा आपको, मेरे मन में आया कल कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊं कि आपको शुक्रवार को बुलाऊं और आप अपना बोरिया बिस्तरा लेकर यहीं पे आ जाइए, कहां, आश्रम में। तो शुक्रवार की शाम को सत्संग लूं, सुबह तो होगा ही होगा, मत सोचना, और शनिवार को 5:30 बजे सुबह मेडिटेशन, सुबह 5:30 बजे मेडिटेशन, फिर आपको चाय, फिर आपके फिर कक्षा, फिर आपको 11 बजे कक्षा, फिर आपकी 12:30 बजे भोजन, फिर 3 बजे कक्षा, फिर 7 बजे कक्षा। तो शुक्रवार मिल गया, शनिवार मिल गया, रविवार मिल गया, और सोमवार को आप पढ़कर यहां से, तो कितने दिन रह गए आप यहाँ पे, 3 दिन, शुक्रवार तो शुक्र शनि रवि, चौथे दिन आप अपने, तो वीकेंड जिसको आप बोलते हैं वो यहां गुजारिए, कहा, आश्रम में। भोजन वो जो सब व्यवस्था रहेगी, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, फिर साधना का अभ्यास कीजिए अकेले में बैठे, वरना कब मिलेगा ये मौका, और कब है, ये सब समय चला जा रहा है। बैठकर थोड़ा अभ्यास कीजिए साधना का, मैं तो रहूंगा ही रहूंगा। उठ जाइए शांत एकदम, जब यहाँ का होता है एकदम शांत, 4:30-5 बजे चुपचाप, किसी को पता भी ना लगे, चुपचाप आके बैठ जाओ। ये करो भाई, क्या चीज, अपनी वृत्तियों को खोजने की कोशिश करो पहले। देखो जी, यही राजद्वार है, किसका, ब्रह्म, है ना। हाँ, बोध द्वारम, बोध का जो द्वार है वो कौन है, ये वृत्ति है। देखो जी, इसलिए मैं कह रहा हूं उसको सावधानी से समझना, अध्यात्म को। जैसे ही मन चलता है, मतलब क्या हुआ, मन विषयों को व्याप्त करता है, जब मन विषयों को व्याप्त करता है, उसी के साथ एक और घटना हो रही थी लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देती है, वो क्या है, विषय को तो व्याप्त कर रही है, साथ ही साथ एक घटना घट रही है कि वहां प्रकाशक भी मौजूद है, ओ, दृष्टा भी मौजूद है। कब, जब वो विषय मौजूद है, विषय के समकाल में प्रकाशक भी है। ये दीते अच्छा ध्यान होगा, ये उतनी अच्छी चीजें समझ में आती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने बोला है, समुझत बनई न कहत बखानी। ये बात समझ में आ जाती है, ये बात बन भी जाती है, ध्यान में बन भी जाएगी, लेकिन कोई बोले कि मैं ट्रांसलेशन कर दूं अपने ध्यान का,
तो ना कहत बखानी, फिर उसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। कितना करेंगे वो वहां तक छू नहीं पाओगे आप, फिर भी आपको वहां तक कोशिश करता हूं मैं ले जाने की। जब वृत्ति व्याप्ति हो रही थी, दो शब्द पढ़े होंगे, वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति, चलो और सरल करते हैं। जब मन किसी विषय को व्याप्त कर रहा है, फूल घड़ी जब व्याप्त कर रहा है, तो जब विषय का ज्ञान होता है उसी के साथ साथ कौन बैठा रहता है? उल्टा है, विषय का ज्ञान नहीं हो सकता यदि वृत्ति में प्रकाशक न होवे तो। ले कठिन लगेगा आपको, यहां कोई नहीं है, इस कोई नहीं है को भी प्रकाशक ने किया तभी आपको पता लगा कोई नहीं। एक बार विषय निर्विषय हो सकता है लेकिन प्रकाशक जो है वो नहीं जाता, वो वही कैसे बोलते हैं ऑडिटोरियम में लोग, ये पंचदशी का दीप प्रकरण है, पंचदशी का दीप प्रकरण है। ऑडिटोरियम में कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कितने सारे प्रोग्राम हो गए, लेकिन वो जो लाइट है वहीं की वहीं, वो सबको प्रकाशित करती है। अभी की अभी भी वो वैसी की वैसी ही है जो ऊपर लगी, चाहे तुम ऑडिटोरियम में आओ चाहे ना हो, चाहे रो चाहे गाओ, चाहे प्रवचन करो चाहे ड्रामा करो चाहे नृत्य करो, वो अपने आप क्या करे, ये प्रकाशक। उसको विषय से कोई लेना देना, विषय होवे तो ठीक, विषय ना होवे तो भी, लेकिन प्रकाशक है। अच्छा भाई, तो जब हे साधक, जब तुम इस विषय, जब मन तुम्हारा विषय की ओर भागता है, ढौकते गच्छति इव, तो मनसा एतद् ब्रह्म उपस्मरति, उपस्मरति मतलब समीपतः। देखो मूल शब्द क्या है, उपस्मरति, उपस्मरति मूल शब्द मिल गया मूल मंत्र में, भाष्यकार ने इसका क्या अर्थ किया, समीपतः। देखो जी, चलते हुए मन से, ये जो मन चलायमान है वृत्ति को व्याप्त कर रहा है, उस चलते हुए मन से ब्रह्म का स्मरण करो। ब्रह्म का स्मरण मतलब क्या करो, उस चलते हुए मन में दृष्टा को खोजो, तुम्हारी निगाह वहां मत जाए। यही हम फेल हो जाते हैं, यही हम फेल हो गए। कहां, हमको तो वृत्ति में मजा आने लगती है, ओहो कल तो जाना है, फिर खड़े रहना है, मरे को ले, हो गया प्रकाशक गया, तो हम किसकी ओर मुड़ गए, विषय। लेकिन साथ ही साथ दूसरे चेंबर में प्रकाशक भी मौजूद है, वहां हमने झांका ही नहीं। जब मन चल रहा है, देखो कैसी ये उपासना है, ध्यान रखना मैं दिखाता हूं। जब तुम व्यवहार करो और खूब मन भाग रहा होवे तुम्हारा, उस समय तुम एक काम करना कि मन के प्रकाशक को देखने की कोशिश करना, यह प्रकाशक की उपलब्धि अनुभूति ही अध्यात्म की उपासना है, यह आध्यात्मिक ब्रह्म है, आदिदैविक ब्रह्म नहीं है। कौन सही, आध्यात्मिक ब्रह्म है। देखो अच्छा आगे देखो, अनेन मनसा, देखो जी, लेकिन एक बात बता दें, ये सबके लिए नहीं है। आहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाष्यकार कह रहे हैं, ये सबके लिए नहीं बोल। ले ये कैसी बात कह दी, जो व्यक्ति बहिर्मुखी है, आहा, विषयों की ओर खूब मन तृप्त रहता है,
बोले वो तो अधिदैव की ओर जाओ भाई, अभी उपासना करो। कौन सी? अधिदैव। ये उपासना किसके लिए? साधक शब्द ही लिख दिया भाष्यकार ने, जो साधक है। देखो जी, सबके लिए नहीं। क्या वृत्ति और वृत्ति के दृष्टा की दूरी कितनी है? फंस जाएगी गोटक। दूरी ही नहीं तो फिर वृत्ति ही क्या है? फिर वृत्ति और वृत्ति के दृष्टा की दूरी कितनी है? कोई कठिन प्रश्न तो नहीं पूछ रहा हूं आपके, आप अपने आप में झांक लो अभी, उसमें क्या है? वृत्ति और वृत्ति वृत्ति के दृष्टा की दूरी कितनी? बोले अब क्या बताऊं कितनी। तो इसलिए भाष्यकार ने क्या बोला? समीपतः। क्या बोले? बोले इससे ज्यादा है। देख लिया? उपस्मरति। इसलिए भाष्यकार ने के लिए भाष्यकार ने क्या लिख दिया? समीपतः स्मरति। वही का वही है, देखो तो एकदम वृत्ति के बगल सटा हुआ खड़ा हुआ है। देखो जी, कौन है ये महाराज? ये सबके लिए नहीं है, साधक। ये साधकों के लिए। कौन है भाई? जो साधक ने अपना मन पहले से ही शांत कर लिया होवे, जिसने शांत न किया होवे वो यहां से कक्षा से बाहर चला जावे। वो क्या करे? वो धर्मानुचरण पहले अपना करे। वो बाहर हो गया देखो कक्षा से। अब हम आधे से ज्यादा लोग यहीं पे गए कम से, इसलिए मैं ये प्रश्न उठाता हूं कि ये जो वक्ता लोग कभी कभी बोलते हैं कि ध्यान करो और उससे मन एकदम शांत हो जाएगा, हम उल्टा कह रहे हैं जो शांत मन होवे वो ध्यान की कक्षा में प्रवेश करे। इसके लिए पहले से ही वह व्यक्ति चाहिए जो व्यक्ति, हाँ, जो ध्यानाभ्यासी है, जो शांत है, जो यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा से खूब पुष्ट हो चुका होवे, ऐसा व्यक्ति चाहिए। जिसको निवृत्ति का कुछ मजा आता हो गया, चलो ऐसा कह लें, कुछ अकेले में रहने में, अकेला तो मैंने पहले बोला, अकेला हुआ तो खाने को दौड़ा। खाने को दौड़ा मतलब तो हमने मन से कुछ ना कुछ करना क्या किया? चालू किया। ये चालू करना मतलब कक्षा से बाहर हो जाओ, तुम्हारे लिए नहीं है। जो उस अकेलेपन को, हाँ, अपने आप को एंजॉय करता है वो व्यक्ति इसका अभ्यासी है। वो ध्यान रखना भी सिद्ध नहीं है। वही व्यक्ति इस साधना को, आध्यात्मिक ब्रह्म की जो साधना कही जा रही है, वो इसको देख सकता है। स्पष्ट हो गया? अच्छा आगे देख लो। अच्छा ये तो विषय का ध्यान नहीं करना है, ध्यान रख लेना तो डू एंड डोंट वाली चीज है। विषय का ध्यान नहीं करना है, किसका ध्यान करना है? दृष्टा। हमारी गलती क्या हो जाती है? हम वृत्ति की ओर बह गए। इसलिए मैं कह रहा हूं बैठो आप कभी शांति से, और सिर्फ क्या करो, अपनी वृत्तियों को देखने की कोशिश करो। शांत, शरीर वरीर की बात नहीं हो रही, इसे आगे आगे चुपचाप अपने मन को देखो, और मन में वृत्तियों को मत देखो, पहले वो उसको भी देख लो, और धीरे से अपना मन वहां से हटा के किस पे ले आओ? इसी प्रोसेस को दृग दृश्य विवेक में दृश्यानुविद्ध समाधि बोली थी। दो प्रकार की समाधियां थी, दृश्यानुविद्ध समाधि और शब्दानुविद्ध समाधि। तो यहां शब्दानुविद्ध की बात नहीं कह रहा हूं। देखो ये मंत्र भी ढूंढा, कामाद्याः चित्तगाः दृश्याः।
क्या है? कामाद्याहा चित्तगाहा दृश्याहा तत्साक्षित्वेन चेतनम। बहुत सावधानी से ये पढ़ाया आपने, यहां नहीं मिलेगा ये, दृग्दृश्य विवेक में पढ़ाया आपने, उठा के देखना। श्लोक नंबर जरूर बता दीजिए जिससे कि इन लोगों को। चौबीसवां श्लोक है, कामाद्याहा। देखो ये नहीं कह रहे कि ब्रह्मा ब्रह्माकार वृत्ति, ना ना ना, ब्रह्माकार वृत्ति की बात नहीं की जा रही है। कामाद्याहा, अरे देखो खूब काम आदि की वासनाएं, जितनी खूब लोभ किया देखो, कामाद्याहा। लेकिन एक चीज देखना, चित्तगाहा दृश्याहा, ये सब क्या हो रही हैं? दृश्य की तरीके से आ रही है और जा रही है। कौन? ये सब वृत्तियां कहां से? कामाद्याहा, तुम्हारे मन से बह रही है। तत्साक्षित्वेन चेतनम ध्याये दृश्यानुविद्येयम् समाधि सविकल्पकः। ऐसी समाधि को कौन सी समाधि बोलते हैं? सविकल्प। स्पष्ट हो गया? कुछ समझ में आया ये क्या कहा जा रहा है? इसी को इसलिए मैं कह रहा हूं, जिसने दृग्दृश्य विवेक पढ़ा होवे, उपदेशार अच्छा पढ़ा होवे, ईशावास्य उपनिषद, अब वो केन में ये सब चीजें देख सकता है कि नहीं देख सकता है? अब जब दृग्दृश्य विवेक पढ़ाया गया तो भी आप लोग भाग गए और आपने उसका अभ्यास भी नहीं किया, तो ये तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते चले जाओगे और पीछे का सब साफ होता तो फिर हम यही बोलेंगे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ आएगी अभ्यास किए ही नहीं। अभी इससे मुझे नहीं लगता कि इससे स्लो पढ़ाई, मेरे से ज्यादा स्लो कोई और पढ़ा सकता है। इससे स्लो क्या पढ़ाएंगे आपको? दो पंक्ति भी सात सात दिन चला रहे, तो अभ्यास भी कर लो आप अच्छी सी बहाने। हुआ? अच्छा आगे बोलो भाई। समीपतः स्मरति साधक, बोलते हैं दूसरा एक और दिखाता हूं, भीक्षणम भ्रशम संकल्पश्च, बोले दूसरा अच्छा और दिखाते हैं। मन में क्या है? इतने सारे जो संकल्प आते हैं, कितने संकल्पश्च मनसः ब्रह्म विषयः, मिला ये मिला आपको? उसी के आगे है, क्या है उसके आगे? हाँ देखो, वृत्ति को ब्रह्म विषयक नहीं कहा, ध्यान रखना। पहले तो चित्तगाहा वृत्त्या कामाद्याहा, यहां ब्रह्म विषयक वृत्ति नहीं कही जा रही, ध्यान रखना। तो दो चीजें हैं, हम लोग वृत्ति को बदलने का प्रयास करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा मत बदलो वृत्ति को, जो आ रहा है उसको बहने दो, रोकने से कोई फायदा नहीं होता, जितना रोकोगे उतना बलात् वो और आएगी, जो चीज आप रोकोगे वो और बहेगी, इससे अच्छा उसको क्या हो जाने दो, बहने दो, बहने दो। तो ये सब टिप्स याद रखना, यहां मन ब्रह्माकार वृत्ति नहीं कहा गया है। दूसरी चीज, हम लोग वृत्ति को बदलने का प्रयास न करें, जैसी चल रही है वैसी चलने देखो। अब देखो बोलते हैं, ये मन बार बार भ्रशम, भ्रशम मतलब बार 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 संकल्प करता है, ठीक है, तो ये ब्रह्म मनसः ब्रह्म विषयः, देखो ये जो ब्रह्म है ये मनोपाधिक है, समझना जरा ये लाइन, ब्रह्म जो है मनोपाधिक है, मतलब अध्यात्म में जो मन है वो उपाधि वाला है। ब्रह्म को क्या कह रहे हैं? मन उपाधि वाला है। अध्यात्म में जो ब्रह्म है वो कैसा ब्रह्म है? उपाधि वाला है। कौन सी उपाधि वाला? मन की उपाधि वाला ब्रह्म। वहां कौन सी उपाधि वाला था? लीला रूप चरित्र। यहां कौन सी उपाधि वाला है? मन वाला। मन की उपाधि लगी हुई है, इसीलिए बोलते मनसः उपाधिकत्वाधि मनसः संकल्प स्मृत्यादि प्रत्ययी अभिव्यज्यते।
मिल गया ये भाष। इसीलिए स्मृत्या स्मृति आदि न जाने कितनी सारी वृत्तियां क्या होती हैं अभिव्यज्यते। देखो लेकिन प्यारे दोस्त, केवल वृत्ति में दोस्त और दुश्मन ही नहीं आते, उसमें ब्रह्म भी अभिव्यज्यित होता है, लेकिन तुम्हारा ध्यान वहां नहीं जाता। इतनी सारी वृत्तियां बहती हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, खूब बहा लो, लेकिन उसके साथ थोड़ा थोड़ा ये भी देख लो, उस वृत्ति के साथ और कौन है। वृत्ति के कई विषय हैं, तो ब्रह्म भी तो वहां मौजूद है, तो उसको क्यों नहीं देखते तुम। संकल्प आदि प्रत्यय अभिव्यज्यते ब्रह्म विषयी क्रियमाणम च, अतः इसलिए सह ब्रह्मणो अध्यात्मम। इसीलिए ब्रह्म को क्या कहा जा रहा है, अध्यात्म। स्पष्ट हो गया ये, होता है स्पष्ट। समय बहुत ज्यादा हो गया, अभी विषय को तो दो तीन पंक्तियां हैं, ये भी खूब मांग करती हैं अच्छे से, कल पढ़ाएंगे। मानो की विषय करती हैं, कर तो सकती नहीं है, इसीलिए तो बाद में क्या कहा गया, सब मिथ्या है, ये क्या विषय करेंगी। हाँ भैया, कौन सा अध्याय, आठवां अध्याय। इसलिए मैंने सब फोन कर करके कुछ वर्षामा रेखामा इन सबको डांट के, ये नरोड़े जी को भी डांटा है कल, कल डांटने का ही कल एक चैप्टर ले रखा था मैंने फोन पे सबको, तो नंबर ले लेके बैठा था मैं, तो चार पांच को डांटा आ तो गए। अब मैं ये कह रहा था भैया, ये छूट गया अगर